अभी रिसेंटली ही उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बहानगर में भारत में अब तक का 3 ट्रेनों के बीच सबसे भयानक और दुखद रेल हादसा हुआ है, जिसमें माना जा रहा है कि 288 मासूम लोगों की मौत है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और जहाँ से पता चला है, कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन में एंटर होने के लिए सिग्नल दिया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया और ट्रेन लूप लाइन में एंटर कर गई और वहाँ खड़ी एक मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर में लूप लाइन का मतलब होता क्या है, और कमेंट में उन लोगों के लिए जल्दी से ठीक हो जाने की दुआ जरूर से करना। देखिए, जिस जगह ये हादसा हुआ था उस जगह पर 4 ट्रैक मौजूद थे, यानी कि 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन। और लूप लाइन उसे कहते हैं जिसमें ट्रेन मेन लाइन से थोड़ी देर के लिए दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि वह एक्स्ट्रा पार्किंग के लिए होता है जिसमें लोकल ट्रेन या मालगाड़ी जाके खड़ी हो सके और एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि मेन लाइन से आसानी से फुल स्पीड में जा सके। और साइड में मौजूद एक्स्ट्रा लाइन को ही लूप लाइन कहते हैं। और यहीं पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से थोड़ी देर के लिए लूप लाइन पर एंटर कर गई और यहीं पर इंटरलॉकिंग सिस्टम भी यही शो कर रहा था कि लूप लाइन खाली है, जो कि असल में खाली नहीं था और उस लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। अब कोई गलती है साजिश, कमेंट में जरूर से बताइएगा।